नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सिंपल ऑरेंज केक बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये दो कीनू, दो अंडे और एक कटोरी में मैंने ली है पिसी चीनी और एक कटोरी ली है मैदा और एक कटोरी लिया है ऑयल और साथ में डालूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे ये किनों का रस, ये जूस हम उसके अंदर यूज़ करेंगे अपने ऑरेंज केक में। तो इस तरह से मैं सारे किनों का जूस निकाल लूँगी। और मैंने आपको पहले अपने वीडियो में दिखाया था ऑरेंज मामलेट, जो मैंने किनों से बनाया था, तो मैं ये थोड़ा सा मेरा मामलेट जो है वो भी यूज करूंगी इसके अंदर। तो इस तरह से ये जूस निकल के हो जाएगा तैयार। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस मैदा को छान लूंगी। इस मैदा के अंदर मैं पहले डाल दूंगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर, ताकि ये बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए। तो करीब 1 स्पून और आधा, 1.5 स्पून के करीब मैं लूँगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा मैं लूँगी इसके अंदर ये बेकिंग सोडा। ये देखिए, इस तरह का ये बेकिंग सोडा है, जिसको हम थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ इतना सा लेंगे। और इसको लेने के बाद मैं इसको स्ट्रेन करूँगी थोड़ा सा, कुछ इस तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं डालूंगी इसी के अंदर ये शुगर। ये मैंने 1 कप ली है, बट मैं शायद ये पूरी शुगर को यूज ना करूं, तो मैं इतनी सी शुगर को छोड़ रही हूं, क्योंकि ऑरेंज जूस में भी और मार्मलेड में भी अपनी स्वीटनेस होगी। तो इस तरह करके हम इसको पूरा अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हमारा फिल्टर हो जाए। अब देखिए, ये मैदा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ हो गई। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये दो अंडे। ये प्योरली ऑप्शनल है, अगर आप एगलेस बनाना चाहें तो आप अंडों को भी स्किप कर सकते हैं। अब ये करने के बाद मैं इसको चलाऊंगी, और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगी ये ऑयल। तो ऑयल सेम मेजरमेंट से आप डालिए, जिससे आपने ली है मैदा और चीनी, और धीरे धीरे हम इसको लंप फ्री एक बैटर बनाएंगे। अब ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा थिक है। अब नॉर्मल कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम इसके अंदर या तो दही डालते हैं या थोड़ा सा गरम दूध डालते हैं, पर क्योंकि मैं बना रही हूँ ऑरेंज केक, तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ये जूस जो मैंने निकाला है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जूस और इसको धीरे धीरे स्टर करेंगे। आप बिलीव करिए, ये इतना डिलिशियस केक बनेगा और इतना अच्छा लगेगा बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर आएगा नेचुरल फ्लेवर। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी फूड कलर, जस्ट टू गिव अ नाइस एंड ऑरेंज कलर। तो आई विल बी यूजिंग लिटिल बिट ऑफ कलर। तो बस ऐसे अभी मिलाते जाते हैं जब तक ये अच्छा हो जाए। तो देखिए, ये मेरा बैटर इस तरह से हो गया तैयार, आप देख सकते हैं, एकदम अच्छा। और इस टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ये फूड कलर। मैं देखती हूँ कैसा कलर आ रहा है। ये देखिए, है ना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बनेगा ये ऑरेंज केक। थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ इसके अंदर। बस आई थिंक
ये इतना सफिशिएंट होगा। और फिर आप देखिए, आप चाहें तो इसको ना भी मिलाएं तो ये स्ट्रीक्स आ जाएंगे, ऑरेंज स्ट्रीक्स भी आ सकती हैं इसके अंदर। तो चलिए, ये मैंने अपनी बेकिंग ट्रे को कर दिया है ऑयली और अब हम बनाना शुरू करेंगे हमारा केक। तो देखिए, मैंने ये इसमें एक A4 साइज के पेपर को काट के लगा दिया है क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। आप इसके अंदर बटर पेपर लगा लीजिए और इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए इस तरह से। देखिए, इसके एजेस को भी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि ये हमारा बैटर कहीं पे भी चिपके ना, ये कुछ इस तरह से। अब ये सारा ग्रीस हो गया अच्छे से और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मैदा को डस्ट करूंगी। तो देखिए, थोड़ी सी आप इसमें मैदा को डस्ट कर दीजिए, इसके साइड्स में भी कुछ इस तरह से। और बस हो गया ये तैयार। और बस अब मैं डालूंगी अपना ये बैटर। अब ये देखिए, मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर, ये मेरा ऑरेंज केक का बैटर। मैं इतना पोर करने के बाद इसके अंदर डालूंगी ये मेरा मॉमलेट, ताकि एक लेयर ये ऑरेंज की भी आ जाए इसके अंदर। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और ये लेयर जब आएगी सेंटर में तो बहुत अच्छी लगेगी और इसके अंदर पील्स जो हैं, इट विल आल्सो गिव अ गुड क्रंची टेस्ट। तो बस अब ये इस तरह से मैं पोर कर दूंगी इसके अंदर। ये देखिए, बहुत ही बिल्कुल क्रीमी एंड वेरी वेरी नाइस। तो ये करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टैप करूंगी सेट होने के लिए। और ये देखिए, ये मैंने कुछ ऑरेंज पील्स ली थी, मैं इसको भी थोड़ा सा डालूंगी इसके ऊपर। ये देखिए, और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो चलिए, अब मेरा ओपीजी है तैयार और हम चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो ये देखिए, मैंने अपने ओटीजी को 180 डिग्री पे रख दिया और अब हम इसकी बेकिंग शुरू करते हैं और करीब 20 मिनट बाद हम मिलेंगे इस बेकिंग की प्रोसेस के बाद। ये देखिए, सेम बैटर मैंने रख दिया था माइक्रोवेव के अंदर और इसमें मैंने कोई पेपर नहीं लगाया था। तो इस तरह से ये बनके तैयार हो गया हमारा ऑरेंज केक। इसको मैं इस तरह से काट लूँगी। देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्पंजी। आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और आप इसको ओटीजी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये केक के कर दिए पीसेस। आप देखिए, बिल्कुल स्पंजी है और ये है मेरा माइक्रोवेव का बना हुआ केक। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ओटीजी में बनाया था, जिसमें मैंने डाला था मॉमलेट, उसको भी हम देख लेते हैं। वो देखिए, कितना प्यारा सा टेक्सचर आया है इसके अंदर। और मैं इसको भी
बहुत ही सॉफ्ट है ये, तो आप देखिए कितना अच्छा बनके हुआ है ये तैयार। तो ये देखिए, ये मैं केक को इस तरह से पीसेस को रख दूंगी और आप इंजॉय करिए ये ऑरेंज केक। ये देखिए, और कुछ पीसेस मैं ये माइक्रोवेव वाले केक के भी लगा दूंगी कुछ इस तरह से। आप ये केक बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, है ना बढ़िया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच डिलिशियस रेसिपीज़।